नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर बता देते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां देवी पाटन मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है और मंदिर में पूजा अर्चना कर गायों को गुड़ और चारा खिलाया है। तो मंदिर में भंडारे का भी यहाँ आयोजन होगा जिसमें सीएम शामिल हो सकते हैं। तो देवी पाटन मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मंदिर में आयोजित भंडारे में भी शामिल होंगे सीएम योगी। तो देवी पाटन मंदिर में यहां पर रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया है। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पवन सिंह। तो पवन से जान लेते हैं। पवन, देवी पाटन मंदिर में आज रुद्राभिषेक रखा गया है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा? सीएम भी वहां पहुंचने वाले हैं, विस्तार से जानकारी कैसे कैसे आज उनके कार्यक्रम वहां पर? जी प्रियंका, मुख्यमंत्री का दो दिवसीय दौरा बलरामपुर में है, वहां पे देवी पाटन मंडल में है पूरा, और वहां पर आज कल रात्रि विश्राम उन्होंने किया है, वहां मंदिर में उन्होंने विश्राम किया है। और आज सुबह वो जो है उनके अपने नित्य दैनिक क्रिया होती है उसी हिसाब से वो गायों को चारा खिलाया है, गुड़ खिलाया है। इसके बाद आज वहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है, दौरा किया है, और जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात की है, और उसमें जो राहत सामग्री होती है अपने हाथ से वितरित किया है, उसकी जो जमीनी हकीकत है उसको जाना है कि जो है अधिकारी किस तरह से इसको अंजाम दे रहे हैं, वो जो राहत सामग्री है, जो उनकी जो व्यवस्था है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री पिछले एक हफ्ते से कई जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं। और जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं और जिन लोगों को बाढ़ से समस्याएं हैं, जिन लोगों को व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, वो ये देखना चाहते हैं जमीनी हकीकत कि वहाँ तक ये बहुत व्यवस्था पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है, इन सभी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री पूरी तरह से सजग रहते हैं। इससे पहले भी पश्चिम के कई जिलों में इन्होंने दौरा किया जहाँ पर उन्होंने राहत सामग्री अपने हाथों से वितरित किया था, उसी कंडीशन में आज यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, आज वहाँ रुद्राभिषेक करेंगे, इसके बाद वो कार्यक्रम में आगे जाएंगे, क्योंकि जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे, इसके बाद अधिकारियों को नसीहत देंगे कि जिन लोगों को परेशानी हो रही है या बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए व्यवस्था और समुचित उपाय किया जाए। हाँ बिल्कुल पवन, कब कब ये कार्यक्रम होने हैं और सीएम योगी कब वहां पर पहुंच जाएंगे? देखिए, कल रात्रि विश्राम उन्होंने किया था देवी पाटन मंडल में, वहाँ मंदिर में। सबसे बड़ी बात है कि वो कल भी तीन जिलों में वो दौरा किए थे, हवाई सर्वेक्षण किए थे, वहाँ पर गए थे और जो लोग बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात किया था। आज कल रात्रि विश्राम होने के बाद आज सुबह उठ करके उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की और कल शाम को सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को उन्होंने रक्षाबंधन की बधाई दिया है। इसके साथ ही साथ प्रदेश में जो रोडवेज है उस पर उन्होंने अर्धरात्रि से 29 तारीख की अर्धरात्रि से सभी बहनों को फ्री यात्रा करने के लिए व्यवस्था बनाई है। पूरे प्रदेश में 300 से ज़्यादा बसें अतिरिक्त लगाई गई हैं कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने यह व्यवस्था पिछले कई सालों से कंटिन्यू रखा और इस बार समय थोड़ा बढ़ाया है, 29 की अर्धरात्रि से 31 तारीख की अर्धरात्रि तक यह यात्रा फ्री होगी बहनों के लिए। वो एक अपने घर से और अपने भाई के घर जा करके इस रक्षाबंधन त्यौहार को पूरी तरह से मना सकती हैं। ये बधाई के साथ साथ एक बहुत बड़ी सौगात है पूरे प्रदेशवासियों के लिए कि बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्री यात्रा कर सकती हैं। बिल्कुल पवन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही, जहां आज मुंबई जाएंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में रहेंगे जयंत, और बता दें कि पूर्व एमपी शाहिद सिद्दीकी भी जयंत के साथ जाएंगे मुंबई। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे जयंत चौधरी। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में हो रही है गठबंधन की बैठक। इंडिया गठबंधन की बैठक में 28 दल शामिल होंगे, तो इंडिया गठबंधन के संयोजक भी इसकी भी घोषणा की जा सकती है। तो उद्धव ठाकरे, आदित्य, संजय राउत बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे वेणुगोपाल भी इसमें शामिल होंगे। अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और अंबू आजमी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गठबंधन यहां पहुंच रहा है और चौथी
और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ घनश्याम चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। घनश्याम, इंडिया गठबंधन के यहां पर आज बैठक होनी है, चौथी बैठक है, विस्तार से जानकारी। बड़ी संख्या में 28 दल देखा जाए तो यहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे, और यही कारण है कि इंडिया की तरफ से, जो इंडिया गठबंधन है उसके तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले तो हम लोग महज 26 दल थे, अब हम लोग 28 दल हो गए और ये 28 दल एनडीए को हराने का काम करेगा। दो दिवसीय कार्यक्रम है, दो दिवसीय बैठक है महाराष्ट्र में आज और कल, और इन दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान जो 28 दल के नेता है वो वहां पे मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश से जयंत सिंह, आरएलडी चीफ जयंत सिंह वहां पे मौजूद रहेंगे, जयंत सिंह चौधरी मौजूद रहेंगे वहां पे। और जयंत चौधरी को लेकर के तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम तरीके की बात कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि वो लगातार इंडिया गठबंधन से दूरी बना रहे हैं, वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उनकी बातचीत चल रही है, इसलिए वो सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के चल रहे हैं, सॉफ्ट गेम खेल रहे हैं, राजनीतिक गेम। तो ऐसे में वो आज फिर एक बार जो है वहां पे शामिल होने के लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी वहां पे मौजूद रहेंगे, अबू आजमी मौजूद रहेंगे, और राम गोपाल चौधरी भी राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ये इंडिया का गठबंधन, ये गठबंधन भी और ये गठबंधन का जो बैठक वो बहुत बड़ा मायने लेकर के आ रहा है, क्योंकि घोसी में उपचुनाव हो रहा है, घोसी में इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है, यानी इंडिया के जो इंडिया की तरफ से जो गठबंधन है उसके तरफ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां पे दारा सिंह चौहान जो कभी सपा से ही वहां से जो है विधायक थे और रिजाइन देकर के फिर से उपचुनाव हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी तरफ से जीत रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके पहले वो उन्होंने जीता था उस सीट को, यानी उस सीट को जीतने के बावजूद उन्होंने रिजाइन दिया, और उसने विधायक पद से रिजाइन इस्तीफा देने के बाद से वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में ये आज की जो बैठक है उस बैठक में इस बात भी रणनीति बनाने की कोशिश की जाएगी कि जो घोसी में चुनाव हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट को जो हराने के लिए इंडिया क्या कुछ नई कवायद जारी करता है, क्या कुछ करता है। तो ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, और बड़ा महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल है उपचुनाव के चलते इन राजनीतिक दलों के लिए। तो ऐसे में आज जो है 26 के जगह अब 28 दल वहां पे बैठक करने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से जितने भी विपक्षी दल है सिवाय मायावती को पहले दिन से ही उनको ना इनवाइट किया गया, ना इस गठबंधन में शामिल किया गया, वो एकला चलो राह के रास्ते पे भी है। वो उनका साफ तौर पे कहना है कि देश के लिए ना ही वो समाजवादी पार्टी बेहतर है, ना इंडिया बेहतर है, ना ये एनडीए बेहतर है, ऐसे में जो है बीएसपी को वोट करे। तो अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण बैठक का आगाज आज शुरू हो जाएगा, और कल तक ये दो दिवसीय चलेगा, और उत्तर प्रदेश से जो ये नेता जा रहे हैं वो घोसी को लेकर के जरूर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दाव और पहला ऐसा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद हो रहा है। ऐसे में महज कुछ दिन बाद इस उपचुनाव में जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट ये ताकीद करेगा कि आखिरकार जो है किस तरफ जो है आप जो आम जनता की जो वोट है वो किस तरफ जा रही है, क्या वो विश्वास बना पा रहे हैं, क्या एनडीए अपनी जो वहां पे जो हारी हुई सीट थी अब जीते हुए कैंडिडेट के साथ लड़ करके क्या वो फिर से जीत पाएंगे, या फिर इंडिया के जो गठबंधन के तरफ से ये चुनाव लड़ करके जो क्या वो मैसेज कन्वे कर पाएंगे कि हाँ अभी इस गठबंधन के साथ एक साथ हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा उसके पास विधायक है, क्या उनको हरा पाएंगे, तो एक मैसेज कन्वे की बात होगी, और इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है प्रियंका आज की बैठक। बिल्कुल घनश्याम, और जैसा कि आज INDIA गठबंधन के संयोजक की भी यहां पर घोषणा हो सकती है, तो वो कौन सा नाम है जो इसमें शामिल किया जा सकता है, या जिसके नाम पर ये घोषणा की जा सकती है, संयोजक बनाए जा सकते हैं? देखिए, इस बाबत एक बात जानिए कि जो संयोजक की बनाने की बात और कवायद पहले बैठक के बाद से ही शुरू हो गई है। पटना में जब हुआ था तो उसमें नीतीश कुमार जी का
लोगों ने प्रस्तावित किया, लोगों ने रखा, चर्चा का विषय बना मीडिया में कि इसमें जो है जिन्होंने होस्ट किया है, जिन्होंने इसकी कवायद कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के साथ जीत करना है और उनको हराना है, तो उनका भी नाम चल रहा था। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का भी नाम चल रहा है, दूसरी तरफ तीसरी तरफ ममता बनर्जी का भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में तमाम ऐसे नाम है जिसको लेकर के लगातार बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है जदयू के साथ आरजेडी मिलकर के वहां पे सरकार चला रही है, और लालू यादव ने एक बयान महज एक हफ्ते पहले उन्होंने दिया है कि एक गठबंधन में, एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कई कन्वीनर बन सकते हैं। जाहिर बात है कि अगर जब बात होगी नीतीश कुमार की तो लालू प्रसाद यादव जैसे सहयोगी दल भी खड़े हो जाएंगे और वहां पे अपना दावा पुख्ता करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि एक ही कन्वीनर नहीं, तमाम कन्वीनर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक ही कन्वीनर हो, एक ही संयोजक हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रार पड़ने की भी बात हो सकती है, रार भी पड़ेगी। लोगों की महत्वाकांक्षा राजनीति में, राजनीति महज महत्वाकांक्षा से चलती है और आज के दौर की राजनीति तो खासतौर पर। तो ऐसे में अभी सबसे बड़ी लड़ाई तो यही होगी कि आखिरकार कन्वीनर कौन चुना जाएगा। सबसे पहले तो इसके पहले भी इस गठबंधन में एक दरार आई कि अगर कई मुद्दों को लेकर के जैसे आम आदमी पार्टी ने जो है वहां के दिल्ली का जो अध्यादेश था, अध्यादेश उस बिल को लेकर के उसने सबके सामने प्रस्ताव रखा था कि वो इस गठबंधन में तभी शामिल होगी जब राज्यसभा में सारे विपक्षी दल उस बिल का विरोध करेंगे, नहीं तो वो शामिल नहीं होंगी, उसने किनारा कस लिया था। ऐसे में सभी जो दल हैं अपनी अपनी महत्वाकांक्षा राजनीतिक, अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए और अपनी अपनी जो जमीन है, अपनी जो राजनीति करने की जो दिशा है, उस दिशा के अनुसार, उस दिशा और दशा के अनुसार अपनी मांगे रखते हैं उस गठबंधन में। और ऐसे में जब बात कन्वीनर की आएगी प्रियंका, तो इस बात को लेकर के भी जरूर झौझो होगा कि आखिरकार किनको बनाया जाए, किनको नहीं बनाया जाए। और यही कारण है कि जब एनडीए इस मामले में बात करती है तो कहती है कि इतने सारे लोग हैं, पहले अपनी खुद की लड़ाई तो लड़के खत्म कर लें, तब जा करके वो एनडीए से लड़ेंगे। तो ऐसे में ये सब सारे मैसेज भी विपक्ष के इस दावे पे जो है वो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है, सत्ताधारी जो गठबंधन है, वो कभी ना कभी इन सब सारी बातों को लेकर के हावी होती है, आती रहती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कन्वीनर के नाम पे कई जो तमाम नाम है, स्टालिन से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक और जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के ममता बनर्जी तक, उसमें किसका नाम किन पे मुहर लगता है, क्या ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसे कोई समीकरण नहीं बनाएंगे कि कई लोगों को उसमें कन्वीनर में रखा जाए, मुख्य कन्वीनर किसी और को बनाया जाए, क्योंकि सबको खुश करना, 28 दलों में सबको खुश करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी INDI गठबंधन के सामने। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किनको इस गठबंधन में कन्वीनर चुना जाता है और वो एनडीए की जो सरकार है, जो एनडीए से जो लड़ाई लड़ने की जो कवायद चल रही है, उनकी जो मैसेज कन्वे की बात है, वो कितना कुछ मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं, बिना झगड़ा किए एक सॉफ्ट मैसेज दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। प्रियंका बिल्कुल घनश्याम, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने अब गठबंधन बनाया है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं घनश्याम, उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार को गिराने के लिए गठबंधन बनाया जा रहा है। हालांकि देखने वाली यह बात होगी क्योंकि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग यहां पर खलबली भी मची हुई है, क्योंकि सभी पार्टी चाहते हैं कि हमारे जो नेता हैं वही पीएम का चेहरा हो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आखिर गठबंधन किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका।